हेलो फ्रेंड्स। सो ये हमारा थर्ड एपिसोड है फिजिक्स की सीरीज़ का, जो कि एयरफोर्स, SSR और EE के लिए उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कि इन एग्ज़ाम में मैक्सिमम आते हैं। तो हमारे जो आज के टॉपिक है वो है लिफ्ट और एलिवेटर, इम्पल्स, पुली सिस्टम, फ्रिक्शन फोर्स एंड सेंट्रिपेटल फोर्स। इन चैप्टर से हम उन टॉपिक को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। सो वीडियो तो एंड तक देखना, और अच्छी लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा लिफ्ट और एलिवेटर फर्स्ट केस है। इसमें जो आर है वो कि अपेरेंट वेट है, और जो mg है वो रियल वेट है। सो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन लिफ्ट इज इन रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट में है तो जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट के इक्वल होगा, यानी कि वेट सेम। हमारा सेकेंड केस है व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन, की जो लिफ्ट है या एलिवेटर वो ऊपर की तरफ जा रहा है और यूनिफॉर्म यानी कि कॉन्स्टेंट एक्सलेशन के साथ। तो इसमें जो आर है अपेरेंट वेट वो जाएगा mg, जो कि रियल वेट है, प्लस में एम है यानी कि एक्स्ट्रा वेट उसमें ऐड हो जाएगा। सो यानी कि जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से ज़्यादा हो गया, तो वेट इंक्रीज हो गया। हमारा जो थर्ड केस बनता है वो बनता है व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। इस केस में हमारा जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट के इक्वली रहेगा, यानी कि वेट सेम रहेगा। सो हमारा फोर्थ केस है व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है यूनिफॉर्म यानी कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो इसमें जो आर है हमारा, जो अपेरेंट वेट है वो जाएगा mg-ma, यानी कि जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से कम हो गया, यानी कि जो वेट है वो हमारा डिक्रीज हो गया। सो हमारा फिफ्थ केस है लिफ्ट हैविंग फ्री फॉल, कि लिफ्ट जब फ्री फॉल हो रही है यानी इसके ऊपर कोई भी प्रेशर, कोई भी फोर्स कुछ नहीं है, तो जो हमारा अपेरेंट वेट है यानी कि अपेरेंट वेट वो जीरो हो जाएगा। जीरो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वेट लेस ही हो जाएगा तो कुछ ना कुछ मात्रा में, और जो ए और जी यहाँ पे इक्वल होते हैं। सो हमारा सेकंड टॉपिक है इम्पल्स, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। इम्पल्स होता है क्या है, इम्पल्स एक फोर्स होता है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्स होता है ये। इसको जे से डिनोट करते हैं, जो इसका इसकी एफ फोर्स इंटू में टाइम, ये होता है इम्पल्स होता है, और ये टाइम होता है थोड़ा सा टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। डायमेंशन फार्मूला होगा इम्पल्स का m1 l1 t-1, इसको चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम। एग्जाम्पल इम्पल्स का होता है जैसे कैचिंग ए बॉल, किसी जो हम बॉल को कैच करते हैं तो वो एक इम्पल्स होता है। ये देखिए जैसे वी ये आ रही है, लेकिन जब ये ग्राउंड से टच करके ऊपर जाएगी तो ये माइनस वी वेलोसिटी के साथ जाएगी। सो इम्पल्स के हमारे केस बनते हैं व्हाट इज़ द चेंज इन स्पीड। इम्पल्स में चेंज इन स्पीड होती है जीरो, यानी कि जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट रहेगी इम्पल्स के दौरान। और व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग इम्पल्स, इम्पल्स की वेलोसिटी में चेंज कितना हो जाएगा, ये वी माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो माइनस, और ये माइनस वी तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये 2v हो गया, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डबल हो जाएगी वेलोसिटी उससे, और जो मोमेंटम है वो भी डबल हो जाएगा पहले वाले मोमेंटम से, इनिशियल मोमेंटम से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो रहेगा, यानी कि जो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होगा, और जो वेलोसिटी और मोमेंटम है वो दोनों डबल हो जाएंगी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों केस इनमें से एक एग्जाम में आता ही आता है। सो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो पुली, पुली पुली में मान लीजिए पुली है, इससे दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी चीज़ लटकी हुई है, जिसमें इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और जो m2 मास है वो ज़्यादा है m1 मास से। तो इसके अंदर दो चीज़ आती हैं पुली के अंदर, जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम आती है वो, एक तो व्हाट इज़ द टेंशन इन पुली, तो टेंशन पुली है, और एक एक्सलेशन पूछ लेता है। जैसे टेंशन निकालने के लिए टेंशन को टी से डिनोट करते हैं, तो टेंशन का फॉर्मूला होगा 2m1m2 upon m1+m2 × g, इसकी वैल्यू 9.8 m/s² होती है, आपको पता ही है। तो टेंशन निकलेगा 2m1m2 upon m1+m2 × g, और एक्सलेशन ए से डिनोट करते हैं जिसको हम, वो निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें फार्मूला लगाना होगा, जो m2 मास है उसमें से m1 मास को घटा देना है, और नीचे दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि m2-m1 upon m2+m1 × g। जैसे कि मान लिया कि m2 मास ये 10 है और m1 5 है, तो एक्सलेशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम इसको, निकालेंगे 10-5 upon 10+5 × g, तो ये हो गया हमारा 5 upon 15 g। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो जाएगा g/3 आ जाएगा, और g क्या वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, और इससे आपको एक्सटेंशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टेंशन और एक्सटेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पुली में।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन जैसे कि ये हमारा सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि एफ फोर्स से आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इसकी मूवमेंट को रोक रहा है या उसके अंदर बाधा डाल रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। इसके अंदर जो हमारा थीटा आता है वो पाई के इक्वल होता है, यानी कि 180 डिग्री इसकी वैल्यू होती है। फ्रिक्शन होता है तीन टाइप का यहाँ पे, स्टैटिक्स, लिमिटिंग एंड काइनेटिक्स। तो स्टैटिक्स होता है रेस्ट, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि जब तक जो बॉडी है उसमें मोशन नहीं आया, ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है स्टैटिक फोर्स। ये इट हेल्प टू मूव ए बॉडी, यानी कि जो कोई भी बॉडी है तो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है स्टैटिक फोर्स। और लिमिटिंग फोर्स होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स, जो स्टैटिक हमारा रेस्ट वाला फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही लिमिटिंग फोर्स होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होती है। और ये बॉडी इज जस्ट बिफोर मोशन, कि लिमिटिंग फोर्स के दौरान जो बॉडी है वो मोशन में बिल्कुल आने वाली ही होती है, लेकिन आई नहीं होती है, मीन्स बहुत कम टाइम बचाता है उसकी मोशन में आने का। और काइनेटिक्स में मोशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्लाइडिंग और रोलिंग टू पर, ये दो तरह के होते हैं इसके काइनेटिक्स के अंदर, जो बॉडी वो मोशन में आ चुकी होती है। यहाँ पे जो हमारा लिमिटिंग फोर्स है वो सबसे ज़्यादा था, उसके बाद स्टैटिक फोर्स और उसके बाद काइनेटिक्स। लिमिटिंग्स तो आपको जैसे पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होती है, तो सबसे बड़ा फोर्स है लिमिटिंग, उसके बाद स्टैटिक्स और उसके बाद काइनेटिक्स। तो इसके बाद ये हमारा लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है, ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स के लॉ के अनुसार जो एफ आर, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर, यानी कि वेट ऑफ बॉडी, जो यानी कि यहाँ पे एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा। म्यू ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये एफ आर अपॉन आर मीन्स ये वेट हो गया, तो ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस हो जाएगा, जो यानी कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। उसके बाद कुछ डायरेक्ट ये थ्योरी है जो कि एग्जाम में आती है, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है एंड जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दोनों इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर कोई सा भी डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड वन हमारा कि इफ़ वेट इंक्रीज, कि यदि जो वेट है वो इंक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो इंक्रीज करेगा, लेकिन जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो सेम रहेगा। कि अगर आ जाए एग्जाम में कि वेट इंक्रीज हो गया तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, न कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। और जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है केवल मटेरियल ऑफ बॉडी एंड सरफेस, जो सरफेस का मटेरियल है और जो बॉडी का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो ये म्यू होता है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और जो ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होगा टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो आप डायरेक्ट टेंजेंट की अगर 30 वैल्यू हो जाए जैसे एंगल की, तो आपको निकालना कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, तो 10 30 की वैल्यू आप पुट करके डायरेक्ट आपका आंसर निकाल सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, या फोर्स कह लीजिए। ये सेंट्रीपिटल वाले टर्म में टू टाइप का फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, ये टुवार्ड सेंटर होता है, यानी कि सेंटर की तरफ लगा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अवे फ्रॉम दी सेंटर लगा हुआ होता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रेडियली इनवर्ड होती है उसके डायरेक्शन की, जो रेडियस की तरफ होगी उसके डायरेक्शन, और जो सेंट्रीफ्यूगल है वो टेंजेंशियल टू सरफेस, जो सरफेस है उसके टेंजेंशियल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फार्मूला सेम है, एफ सी से डिनोट करते हैं, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर ये हो जाएगा। जैसे हमें पता है वी है जो वो आर ओमेगा के इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन आर, यहाँ से एक आर कैंसिल हो गया तो एम आर ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ पे आर ओमेगा फिर से वी हो गया तो एम वी ओमेगा, ये हमारा इसके फॉर्मूला है। एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स का वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे वॉशिंग मशीन में जैसे सारे कपड़े जब हम उसमें डालते हैं तो एक सेंटर में ही इकट्ठे हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। सेंट्रीफ्यूगल का जैसे क्रीम सेपरेटर होता है जो क्रीम को अलग करता है, और जो जूसर होता है ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल करते हैं कुछ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम आते हैं, कि जैसे ये हमारे कोई भी दो सर्कल हो गए या स्फीयर हो गए, जिसमें छोटी की जो है आर आर रेडियस है और ये बड़ी है वाली रेडियस है 2 आर। जब इसमें सो हमारा फर्स्ट केस है कि जब वी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन का, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है जैसे आर ओमेगा स्क्वेयर, यानी कि ए सी वन अपॉन ए सी टू हो जाएगा, अगर रेशियो में लेंगे तो आर वन अपॉन आर टू हो जाएगा, और यहाँ पे आर वन है आर और आर टू है 2 आर, तो ये आर अपॉन 2 आर, आर से आर कैंसिल हो गया तो ये 1:2 आ गया। जब वी कांस्टेंट होगी तो हमें ये फार्मूला लगाना है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है।
जब वी कॉन्स्टेंट होगी तो ये फार्मूला लगेगा। और जैसे सेकंड वाला केस में जब वी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, वी कॉन्स्टेंट है तो रेशियो, तो यहाँ पे इसकी जो वो ए सी वो बदल जाएगा, इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन आर, तो यानी कि आर आपके बार नीचे है तो ये हो जाएगा आर टू अपॉन आर वन हो जाएगा। आर टू हमारा 2 आर है अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, 2:1। देखिए वी कॉन्स्टेंट था तो आया था 1:2, और जो वी कॉन्स्टेंट नहीं है तो आया 2:1। यानी कि आपको ये टर्म ध्यान में रखने की वी कॉन्स्टेंट है और वी कॉन्स्टेंट है या नहीं, तो उसी हिसाब से फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा है। जैसे आगे वाला एग्जाम्पल करते हैं हम, वैन M1 और रेशियो M2 2:3 की, M1 और M2 का रेशियो 2:3 है, और R1 और R2 का रेशियो है 1:2। और इसके अंदर फर्स्ट केस के अंदर क्या आएगा कि ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कॉन्स्टेंट है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स। जब एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो फोर्स का फार्मूला होगा MR ओमेगा स्क्वेयर, यानी कि F1 अपॉन F2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 मल्टीप्लाई R1 अपॉन R2। M1 M2 था 2/3, R1 R2 था 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया 1:3 जब ओमेगा कॉन्स्टेंट था। तो ये आ गया, आपको ये फार्मूला अप्लाई करना, ओमेगा कॉन्स्टेंट होगा जब। उसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वैन वी कॉन्स्टेंट, यानी कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा F=mv²/r। ये फार्मूला आपको भी यहाँ पे ये अप्लाई करना है, तो F1 अपॉन M2 M1 अपॉन M2, ये आर आपकी बार नीचे तो जाएगा R2 अपॉन R1, तो ये 2/3, और ये आपकी बार 2/1, तो 2:4:3, 4:3। देखिए आंसर चेंज हो रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ओमेगा कॉन्स्टेंट होगा तो क्या फार्मूला लगाना है फोर्स का, और जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी तो क्या फार्मूला लगाना है, ऊपर वाले क्वेश्चन की सेम तरह। इसका ये फार्मूला, दो क्वेश्चन जो फार्मूला है वो आपको बता देता हूँ मैं। जैसे ये एक्सलेशन है जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है, ये हो जाएगा v²/r, जैसे वी की वैल्यू होती है R ओमेगा, तो हो जाएगा R ओमेगा का होल स्क्वेयर अपॉन R, तो ये R²/ओमेगा² से एक R कट गया तो R ओमेगा², और यहाँ पे फिर से R ओमेगा की वैल्यू होती है v=R ओमेगा, तो वी पुट कर देंगे तो v ओमेगा। सो ये हमारा एपिसोड था, इससे कई क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। सो गाइज थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके काम आ सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।